हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको फाइल मेनू या ऑफिस बटन के बारे में बताया था, जिसमें हमने न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, सेंड, पब्लिश, क्लोज आदि मेनू के बारे में बता दिया है। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम होम टैब के बारे में जानेंगे कि होम टैब क्या है और इसमें क्लिपबोर्ड सेक्शन के बारे में, क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में जानेंगे, जिसमें आज हम कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। और ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन और है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, जो भी लेक्चर हम आपको समझा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम आपको जीरो से समझा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से समझा रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एमएस वर्ड हमारा ओपन है और आज हम यहाँ पे अगर आप देखें तो होम टैब के बारे में आज हम जानेंगे। होम टैब में अगर आप देखें तो ये जो हमारा रिबन है, ये जो है कई सेक्शन में विभाजित है, ग्रुप में विभाजित है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, एक क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे फॉन्ट है, यहाँ पे पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ से संबंधित टूल्स आपको मिल जाएंगे। स्टाइल है, तो आपके यहाँ पे स्टाइल से संबंधित टूल्स मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप एडिटिंग में देखें तो फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट है। जैसा कि हमने यहाँ पे भी आपको यही चीज समझाया भी है, आप इसको देख सकते हैं और कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एमएस ऑफिस 2007 और 2016 दोनों की जो है रिबन के बारे में बताया है। एमएस वर्ड के विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे एक पतली पट्टी होती है, उस पट्टी में होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू बटन होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। अब यहाँ पे हम होम टैब के बारे में जानते हैं। एमएस वर्ड के होम बटन का प्रयोग डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग से संबंधित कार्य करने के लिए किया जाता है। यानी होम बटन में क्या होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने से टूल्स होते हैं, फॉर्मेट करने से संबंधित टूल्स होते हैं। इस बटन को सक्रिय करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए माउस से उस बटन पर क्लिक करें या कीबोर्ड से अल्ट प्लस एच को आप दबा सकते हैं। आप चाहें तो यहां से आप क्लिक करके इसको सक्रिय कर सकते हैं। जैसे अभी इंसर्ट है, हम होम पे क्लिक करेंगे तो होम वाला हमारा एक्टिव हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम कीबोर्ड से करना चाहें तो हम अल्ट के साथ एच दबाएंगे तो भी जो है आप देखें कि हमारा होम टैब सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट के द्वारा भी होम टैब को एक्टिव कर सकते हैं। होम टैब को कई ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में कार्य विशेष से संबंधित कमांड होती है। आप इस कमांड या बटन पर माउस से क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कीबोर्ड के द्वारा भी, कुछ शॉर्टकट भी हैं उसके द्वारा भी आप कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाया गया कि ये होम टैब है 2007 का और ये होम टैब है आपका 2016 का। लगभग लगभग आप देखेंगे तो आपको उसी तरह से दिखाई देगा। यहाँ भी कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर है और यहाँ भी आप देखें तो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर होते हैं। लगभग लगभग एक ही तरह से आपको दोनों वर्जन में दिखाई देंगे। अब यहाँ पे हम आगे जानते हैं होम टैब ग्रुप के नाम और उनका कार्य। एमएस वर्ड के होम टैब में पांच ग्रुप होते हैं, जिनका क्रमशः क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग है। नीचे होम टैब को देख सकते हैं आप। अब आप होम टैब के प्रत्येक ग्रुप से परिचित हो गए हैं। आइए अब प्रत्येक ग्रुप के कार्य को जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो अब हम जो है क्लिपबोर्ड के बारे में जानते हैं। इसमें आपका पहले आता है होम टैब और होम टैब में है क्लिपबोर्ड सेक्शन। क्लिपबोर्ड में आपका आता है सबसे पहले कट। तो यहां पे हमको समझना है कि कट टूल्स का प्रयोग किस लिए होता है। यहां पे आपको बताया गया है कि दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू कट द सिलेक्शन इन द डॉक्यूमेंट। इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को काटने के लिए किया जाता है। यानी जो भी आपने लिखा है उसको अगर आप हटाना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, उसको कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो आप कट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये जो है, ये इतना जो है यहां से हट जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कट पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए वहां से हट गया।
हम पुनः उसको ले आते हैं कंट्रोल जेड से, वापस हो जाएंगे। ये चीज हम चाहें तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से करने के लिए हम कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे और आप देखें तो वो चीज वहां से हट गई। हम चाहते हैं वो चीज जो है यहां पे हम इंटर कर दें और यहां पे वो चीज आ जाए। तो अगर आप यहां पे लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहां पे आप पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट यहां से भी हो जाएगा। आप देखें ऊपर वाली चीज जो वहां से कटी थी यानी हटाए थे हम, वो चीज अब नीचे आ गई है। और दूसरी चीज हम इसको फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं और अब हम इसी को माउस के बजाय कीबोर्ड के जरिए करेंगे। कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे, आप देखें यहां पे आ चुका है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कट कमांड का प्रयोग हम किसी चीज को हटा के दूसरे जगह पे पेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि ये हमारा जो है ये हमारा ऊपर था और इसको हमने ऊपर से कट करके नीचे ले आए। अब फिर से हम इसको कट करके ऊपर ले जाते हैं, कंट्रोल एक्स करेंगे और हम अपना कर्जर ऊपर ले जाएंगे। अभी देखिए अभी होम टैब के पास है, हम होम टैब को एंटर करके नीचे ले जाएंगे और फिर हम अपना कर्जर अप एरो से ऊपर ले जाएंगे। अब यहां पे हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल के साथ भी, तो पुनः हमारा जो है ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एमएस वर्ड में कट और पेस्ट कर सकते हैं। कट में आपका जो सिलेक्शन एरिया होता है वो चीज वहां से कट जाता है, वहां से हट जाता है, और जहां पे आप कर्सर ले जाके ये जो आपका पॉइंटर है ब्लिंक कर रहा है ये जहां पे होता है वहां पे अगर आप पेस्ट करते हैं तो वहां पे वो पेस्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कट। कॉपी में क्या होता है, कॉपी में वो चीज वहां भी रहेगी और दूसरी जगह भी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम इसी चीज को करते हैं कॉपी, कॉपी में ये चीज यहां भी रहेगी, हटेगी नहीं। हम कॉपी पे क्लिक करते हैं, अब आप देखिए यहां से ये हटा नहीं है और हम क्या करते हैं इंटर करके यहीं पे इसको कर देते हैं पेस्ट कंट्रोल के साथ वी। अब आप देखिए ऊपर भी वही चीज है और नीचे भी वही चीज है। हम इसी चीज को चाहे तो माउस से भी कर सकते हैं पेस्ट, तो माउस से भी पेस्ट हो जाएगा। और कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी कर सकते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल सी, और फिर पेस्ट करने के लिए आप कर्जर नीचे ले आइए जहां पे करना हो वहां पे कंट्रोल वी कर दीजिए, वो आपका पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कट, कॉपी और पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे फॉर्मेट प्रिंटर, ये बहुत ही अच्छा टूल्स है। देखिए जैसे कि हम चाहते हैं कि जो एमएस वर्ड लिखा है आप एक वर्ड, एक अक्षर या एक पूरी की पूरी लाइन या एक पैराग्राफ के ऊपर ये कर सकते हैं। ये जो एमएस वर्ड है हम चाहते हैं इसकी स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाए। अभी ये एरियल ब्लैक में है तो ये हमने कर लिया, यहां से कोई दूसरे फॉन्ट में कर लेते हैं, हम कॉपर ब्लैक कर लेते हैं। ये थोड़ा कॉपर ब्लैक में क्या हुआ कि ये थोड़ा मोटा हो गया, अब स्टाइल भी थोड़ी चेंज हो गई। इसका कलर वगैरह भी हम चेंज कर लेते हैं, हमने कर दिया रेड, ये रेड हो गया। हम इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, इसको हमने बड़ा कर दिया। साथ ही साथ हम इसको चाहते हैं कि ये बोल्ड भी थोड़ा हो जाए, तो ये थोड़ा बोल्ड भी हो गया। हम चाहते हैं अंडरलाइन भी हो जाए, तो यहां पे हमने कई सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई किया है। हम जो इसको जो है तिरछा भी कर देते हैं। अब हम चाहते हैं ये जो फॉर्मेटिंग है ये जो है होम टैब या जो है इधर भी हो जाए, तो एक ऑप्शन है कि अगर हम ये जो सिलेक्शन है इसको भी अगर इसी फॉन्ट में इसी स्टाइल में सब कुछ करना चाहते हैं, इसी तरह की फॉर्मेटिंग चाहते हैं, तो हमको बार बार सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। हमको एक बार फॉन्ट का फेस चेंज करना होगा, फिर साइज चेंज करना होगा, फिर कलर चेंज करना होगा, बोल्ड करना होगा, इटैलिक करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, यानी कई बार हमको प्रोसेस करना होगा। तो जब हमको यही फॉर्मेटिंग यहां पे अप्लाई करना है तो हम बार बार ना करके हम क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर से इसको कॉपी कर लेंगे। इसकी जो फॉर्मेटिंग है यहां पे क्या होगा कि हमारे टेक्स्ट को ना कॉपी करके इस पे जो फॉर्मेटिंग हमने किया है उसको ये कॉपी करेगा और जितने पे हम सेलेक्ट करेंगे उतना जो है उसी फॉर्मेटिंग में हो जाएगा। जैसा कि हमने इतने को सेलेक्ट कर लिया, अभी हमारा जो पॉइंटर है आप देख सकते हैं एक ब्रश के आकार का है, तो जितना हम सिलेक्शन करेंगे उतना बिल्कुल उसी फॉन्ट में उसी स्टाइल में हो जाएगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मेटिंग इस पे है और या इस पे है, इस पे हम अपना कर्सर रखे हैं। अब यहां पे हम फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहां की जो फॉर्मेटिंग है यहां पे कॉपी हो गई है। अब अगर हम इसको यहां पे सेलेक्ट कर लें तो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग यहां भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए और दूसरी जगह पे अप्लाई करने के लिए करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है
वहां पे जाइए और फिर फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करिए। उसके बाद आपका जो पॉइंटर है वो एक ब्रश के आकार का हो जाएगा और जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको जाकर सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हमने आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके लिए और भी सरलता के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।